हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिए, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज इस वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने, जो मैं स्टूडियो के लिए माइक लेकर आया हूँ। ये बहुत रिजनेबल प्राइस में है माइक, आप भी ला सकते हैं अपनी वॉइस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। और बहुत अच्छी इसकी साउंड रिकॉर्डिंग है, मैंने देखी है और भी बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले इसका रिव्यू पढ़ा था, तभी मैं इसको लेके आया हूँ। और मैंने साउंड भी सुनी है, वो भी बहुत अल्टीमेट है। और अब आपको भी नेक्स्ट वीडियो से इसकी साउंड सुनने को मिलने वाली है। तो चलिए अपने अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये अब हमारे हाथ में आ गया हमारा नाइफ, और इसको हम यहाँ से कट करते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के लिए हमें यहाँ से इसकी सील काटनी पड़ेगी। तो ये हमने इसको कट कर दिया और इसको हम यहाँ से 1 2 3 वाओ, अच्छा ओके। अभी इसके अंदर से ये कवर हटाते हैं 1। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है एक फिल्टर जो हमारी वॉइस को, जो आउटसाइड की जो वॉइस है उसको ये हटाता है। ये है फिल्टर, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब उठाते हैं हम यहाँ से वायर को। ये वायर है जो हमारे माइक में कनेक्ट होगी। ये कुछ इस तरह का इसका पिन होने वाला है और ये इस तरह की पिन है। इसको भी रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले इसकी हम उठाते हैं बुक। बुक के अंदर सारे के सारे इसके अंदर यूज बताए हैं कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और सारे के सारे फंक्शंस कीज सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। भाई आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लेना इसको, बहुत बड़ी सारी है। यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के बहुत बड़ी है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। टन टन टन, ये भी हमारे काम का नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फॉर्म। ये हमारे माइक के ऊपर लगेगी। ये भी हमारी जो हमारी एम्बियंस होती है, आउटसाइड की जो एम्बियंस होती है उसको ये हटाने का काम करती है, ठीक है। इसको भी फिल्टर बोलते हैं। तो इसको भी रखते हैं अभी साइड में। के बाद हम ये उठा लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। वाओ, ये गाइस ये क्लिप है, जिस भी टेबल में हम इसको यूज करेंगे, मतलब जहाँ पर भी हम इसको यूज करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से प्रेस करके इसको घुमा के उसके अंदर हम फंसा सकते हैं। इन सबको मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अब निकालते हैं यहाँ से हम कुछ स्क्रू ड्राइवर टाइप का लग रहा है मेरे को ये, और इसका देखते हैं क्या यूज है। इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद निकालते हैं हम ये भी इसका स्टैंड है। वाओ, ये मेरे को बहुत अल्टीमेट लगता है, जब इसके अंदर माइक फिट हो जाता है ना, अल्टीमेट लगता है। इसको भी अभी साइड में रख देते हैं, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ इसका स्टैंड। चलो स्टैंड से हम बाद में निपटते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। उससे पहले मैं निकाल देता हूँ माइक। वाओ वाओ वाओ, क्या अल्टीमेट माइक है हमारा भाई, एक अलग ही फीलिंग आ रही है भाई, अल्टीमेट लग रहा है मेरे को। चलो इसके अंदर भी जब हम इसमें चार्ज वार्ज करेंगे, जब इसको यूज करेंगे, मैं आपको कम्प्लीट दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से क्या क्या इसका यूज है इसका, ठीक है भाई। कितना अच्छा लग रहा है यार ये, मतलब वीडियो बनाने में तो और मोटिवेट हो जाऊंगा मैं। चलो इसको भी अभी हम इसको भी साइड में रखते हैं। अब देख लेते हैं ये छोटा सा क्या है इसके अंदर, इसको खोल के देख लेते हैं। वाओ, ओके समझ गया मैं। अगर हमें ये इसका कुछ है जुगाड़, इसको भी देखेंगे हम क्या हमें लगाना है बाद में, लेकिन हम इसको नीचे रख करके भी हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो एक इमेज के थ्रू, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये नीचे ट्राइपॉड रखा हुआ है ये छोटे वाला, ठीक है, और ये इसका माइक। चलो इसको भी हम यूज करके दिखाएंगे आपको। अब हम खोल लेते हैं इसका स्टैंड, जो कि मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। वाओ भाई, कितना मजा है, जबरदस्त चीज है भाई ये वाली। अभी तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको इसका यूज भी दिखाऊंगा कि भाई इसका क्या यूज है, और हम इस तरह से इसको स्टैंड में लगाएंगे। इसके अंदर कुछ स्प्रिंग है, इसको हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं। इसको भी अभी हम इसमें रखते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसकी कैसी क्वालिटी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेहनत करोगे ना भाई, आप ये मत सोचो कि भाई हम YouTube पे कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं या कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो नहीं चल रही है, हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई आप उसकी टेंशन मत लो। ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर हर किसी को एकदम सक्सेस नहीं मिलती भाई। कोई भी आप बिजनेस करके बैठ जाओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको सक्सेस
नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको एक साल सक्सेस ना मिले और हो सकता है आपको 6 महीने में सक्सेस मिल जाए। तो भाई सक्सेस भी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है ना हर चीज की, वैसे ही वैसे आप सीखते जाते हो, वैसे ही आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। गाइस आई होप आपको आपने मेरी अनबॉक्सिंग देख ली होगी और मैं आपको अब इसके साउंड रिकॉर्डिंग भी सुनवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।